अभी तक इनइक्वालिटी में हमने क्या क्या फिनिश कर दिया बताओ। सर अंडर रूट ऑफ सो वी रीच्ड क्यूबिक इक्वेशंस ऑन क्वाड्रेटिक मोड एक्स कर लिया सबसे पहले, क्या करा मोड एक्स करा, करेक्ट सर मोड एक्स सर रूट एक्स रूट एक्स के इनइक्वालिटी रूट एक्स कर लिया, फिर हां सर फिर क्यूबिक के पॉसिबल कर लिया। अब क्या दो बचे हैं एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक, हेडिंग लिखो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो ये चैप्टर जैसे सिंगेज में भी तुम्हें अलग से चैप्टर इन इक्वेशन एंड ऐसे नहीं मिलेगा, ये तो हमने नाम दिया हुआ है, अदरवाइज ये तो बस जनरल चीज है, मैथमेटिक्स जनरल मैथमेटिक्स होती है ना, दैट इज दिस, इज दैट क्लियर? यस सर यस सर। ये तो हम तुम्हें जैसे व्हेन यू केम राइट बैक इन अप्रैल तब भी पढ़ा सकते थे, बट हमने डिसाइड किया कि फोर्थ चैप्टर में पढ़ाएंगे एज इन चैप्टर। सो इन सिंगेज यू विल सी दिस अलोंग विद द क्वाड्रेटिक चैप्टर एंड टुगेदर दे विल बी कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Anyway, exponential functions, कुछ एग्जाम्पल बोलो कैसे दिखते हैं, y equal to 2 की power x, 3 की power x minus x square, ऐसा भी दिख सकता है, correct? Yes, sir. दिख सकता है 1 by 2 की power x, ऐसा भी दिख सकता है 0.1 की power x, correct? Yes, sir. So all these are exponential functions. Exponential function की basic बचपन की properties सबको आनी चाहिए, नहीं आती है तो मतलब चुल्लू भर कहावत तो सबको पता ही है ना। एनीवे रिवाइज करा रहा हूँ, एक की पावर जीरो कितना होता है, एक की पावर माइनस एक्स सेम एज वन बाय पावर एक्स, मतलब अगर कभी फाइव की पावर एक्स को मैंने टी रखा तो फाइव की पावर माइनस एक्स कितना हो जाएगा, टी के साथ। नेक्स्ट a की पावर x into a की पावर y कितना होता है, a to the power x plus y plus y, a की पावर x divided by a की पावर y कितना होता है, x minus y, x minus y, then next a की पावर x का whole square is it a की पावर x square to the power 2x, ये नहीं होता है, ये होता है, ध्यान रखना गधो, समझ गए? कभी भी एक्सपोनेंट को इक्वेट करते हैं जैसे 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y, तो ऑब्वियसली x इक्वल टू y, करेक्ट बच्चों? Yes, yes, sir. तो अगर मैं बोलूं a की पावर x equals to a की पावर y, क्या क्या कंडीशन हो सकती है, जैसे a तो obviously x equals to y, correct? Obviously. Yes, sir. और इसके अलावा एक और कंडीशन है, a वन भी तो हो सकता है, agree करो? a वन हो सकता है, yes, sir. हाँ, sir. अगर a वन हो गया तो वन की पावर x तो वन की पावर y होगा ना एवरीवन? हाँ, sir. Yes, sir. Then a जीरो हो सकता है, कोई भी जीरो नहीं होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि वन अपॉन जीरो क्या होता है बच्चों, वन अपॉन जीरो क्या होता है, वैसे ही जीरो की पावर एग्जैक्ट जीरो भी क्या होता है, एवरीवन? नॉट डिफाइंड, तो वो नॉट डिफाइंड है, जीरो की पावर जीरो इज नॉट जीरो, क्लियर? पावर जीरो नहीं होनी चाहिए। अब मैं आगे कुछ पढ़ाऊंगा जिसमें तुम्हें बताऊंगा कि एक्सपोनेंट को फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, बट अभी बचपन के लिए ऐसा बता सकता हूँ कि माइनस टू की पावर थ्री भी डिफाइंड होता है ना एवरीवन? आगे मैं जब बोलूंगा कि अगर एक्स की पावर थ्री है, अगर एक्सपोनेंट फंक्शन की बात करें तो अपने आप एक्स ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, वो आगे मैं समझाऊंगा, बट सिंस अभी वो समझाया नहीं है तो आई कैन इवन से कि ये ट्रू माइनस वन के लिए भी हो सकता है इफ एक्स एंड वाई बोथ आर इवन पावर, कम ऑन। हां सर, यस सर, माइनस वन की पावर टू और माइनस वन की पावर टेन भी इक्वली होगा ना एवरीवन? यस सर। तो ये लिख दिया बट इसमें स्टार मार्क कर रहा हूँ क्योंकि ये कभी डिफाइंड नहीं होगा तो फिर ये वाली कंडीशन नहीं लगेगी, समझ में आ गया आपको? यस सर, बिल्कुल। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ओके, और क्या पढ़ा सकता हूँ कि बाय द वे चलो एग्जांपल वाइज अगर ऐसा आ गया कि 3 की पावर x इक्वल टू 6 की पावर 4, तो कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को पता नहीं क्या कबाड़ा कर देते हैं,
और ऐसा कर दिया मैंने 6 की पावर y, तो ऐसा है इक्वेशन. तो कुछ बच्चे y इक्वल टू 4 बोल देते हैं और x इक्वल टू कुछ नहीं है तो 3 की पावर 0 इमेजिन कर लिया और x इक्वल टू 0. ये करेक्ट है या गलत है? गलत है सर. क्यों? क्योंकि सब कुछ प्राइम वेक्टर में ब्रेक करना चाहिए बच्चों. तुम्हें 6 की पावर y को 2 की पावर y इनटू 3 की पावर y लिख सकता हूं. एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर. 6 की पावर 4 को लिख सकता हूं 2 की पावर 4 इनटू 3 की पावर 4. करेक्ट बच्चों? यस सर. ओवरऑल 2 की पावर y आया, 3 की पावर x प्लस y आया, ये 2 की पावर y इनटू 3 की पावर 4 आया. करेक्ट बच्चों? और उस कारण से यहाँ पे लकी हो गए, ऐसा कुछ हो गया जो भी है. ऐसे करना है बस, वैसे नहीं करना. समझ में आ गया? टू ब्रेक इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स, देन ओनली यू शुड इक्वेट. वो आंसर आ गया, वो तो किसी कारण से लकी बैठ गए. ठीक है एवरीवन? तो वो क्वेश्चन मैंने और अच्छा फ्रेम नहीं किया, और कुछ गड़बड़ फ्रेम करना चाहिए. 12 की पावर वाई कर देना चाहिए. I hope clear है बिल्कुल? Yes. 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 यहाँ तक कुछ लिखना हो तो लिख दो जल्दी से. अब ये सब properties कुछ copy करने की जरूरत है क्या? नहीं. Sir, but if you wish, जल्दी fast करो. Done, sir. Note. किसी बच्चे का माइक ऑन है, म्यूट रख भाई. गोपाल सर, सॉरी सर, मेरी बहन कुछ म्यूजिक प्ले कर रही है अपने रूम में. लेकिन तू माइक म्यूट रखना, माइक क्यों ऑन कर रहा है? अरे ऐसा गलती से हो गया था, स्पेस बार की वजह से. सर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन. जैसे ये पॉइंट जरूर लिख ले हो, बस एक बस काफी है. यह सब तो हो गया एवरीवन? हाँ सर. यस सर. यस सर. कोई डाउट? नो सर. चलो
चलो ये दोनों क्वेश्चन करो जल्दी से, सबको स्क्रीन पर दिख रहा है ना? यस सर। करेक्ट, फर्स्ट का तो सबका आ जाना चाहिए अब तक, एवरीवन। यस सर। टू। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। कंटिन्यू कंटिन्यू, नहीं आया तो मैं बताऊंगा, बट ट्राई योर एक्सपर्टाइज इन दिस, कम ऑन। करेक्ट कह रहा हूँ, करेक्ट सुनिए दी, करेक्ट वरुण, करेक्ट विशाल, ध्रुव, मिस्टेक, बॉस तो किसी को डाउट नहीं है ना एवरीवन? No, sir. Okay. Second का answer क्या है? बोलो फिर आप चिल्ला के. Plus nine minus 13/3. One and minus 13/3. Yeah. Minus one. क्या है? नहीं one और minus. One and minus 13/3. चलो second मैं बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे तो mistake करेंगे करेंगे कसम खा रखी है. तो सब कुछ किसमें break करूँगा everyone? Prime number. So 12 is 2 square into 3 raised to power 5x minus 2. 24 होता है 8 into 3, 2 cube into 3 की power 1. Root 3 होता है 3 की power 1 by 2. सही लिखा है everyone? Yes. Yes, sir. 2 की power आ गई 2 into 5x minus 2. 3 की power आ गई 5x minus 2. 2 की power आ गई 3 into 3 minus x square. यहाँ पे 3 की power 1 plus 1 by 2 is 3 by 2 into 3 minus x square. आप किसकी पावर को इक्वेट करना है, टू की या थ्री की या दोनों की?
कंपेयरिंग पावर्स ऑफ टू तो क्या इक्वेशन बन रही है देखना, टू इंटू फाइव एक्स माइनस टू इज थ्री इंटू थ्री माइनस एक्स स्क्वायर बच्चों. कंपेयरिंग पावर्स ऑफ थ्री तो क्या इक्वेशन बन रही है देखो, फाइव एक्स माइनस टू इज इक्वल टू थ्री बाय टू इंटू थ्री माइनस एक्स स्क्वायर. सही है बच्चों? यस सर. इस क्वेश्चन के लिए नहीं, मुझे जनरल सेंस से बताओ कि अगर बाय द वे हाइपोथेटिकल यहाँ पे आंसर टू और फोर आता, यहाँ पे आंसर टू और सेवन आता, तो फाइनल आंसर टू फोर सेवन होता या सिर्फ टू होता? सिर्फ टू होता क्योंकि दोनों पावर इक्वेट होने चाहिए. हाँ है ना इंटरसेक्शन? यस सर. बट अगर अपनी अभी बटन जैसे आंखों को खोल के देख रहे हो तो दोनों इक्वेशन सेम ही है. देखो ध्यान से, टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अगर इस फैक्टर ऑफ टू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यही आएगा ना एवरीवन? यस सर. यस सर. मतलब दोनों को सॉल्व करना है या एक को ही सॉल्व करना है? एक ही को सॉल्व करना है. 9 माइनस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 13 इक्वल टू 0. 13 और 3 से स्प्लिट करोगे तो ये आंसर आ जाएगा. बिल्कुल क्लियर? यस सर. यस सर. कोई डाउट? अदरवाइज 5 सेकंड्स कॉपी. ओके, आई होप कॉपी हो गया. मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था. कैन वी फोकस? क्वेश्चन कर रहे हैं? यस सर. मुझे रिमाइंड भी नहीं करा तुमने सर. हो गया, कॉपी हो गया है ना लाइक. क्या आप ज्यादा टाइम दे रहे हो कॉपी करने के लिए? चल जल्दी कॉपी कर, जल्दी स्टार्ट करो थर्ड क्वेश्चन. कम ऑन, ये अभी ये वाला क्वेश्चन तो भूल जाओ.
ओके ऊपर वाले का आंसर बिल्कुल सही, 2 and -7/2 वेरी गुड शोर जय कृति, गुड गुड गुड। अभी तक आंसर आ जाना चाहिए किसी के लिए, करना है मुझे ये क्वेश्चन। नहीं सर, नो सर, 100% किसी को डाउट है तो ही और शी कैन आस्क सर दिशांत। चलो देखो इधर 5/3 है, मैं सब कुछ 5/3 में करूं तो बेटर लग रहा है ना, 9/25 को भी लिख सकता हूं उसमें, हाँ है ना बच्चे? जैसे 9/25 को 5/3 में क्या लिख सकता हूँ, 5/3 की पावर माइनस, को ये समझ में आता है तेरे को? हाँ सर। अरे हाँ है ना, देख 3/5 का स्क्वायर हो गया तो फिर 5/3 की पावर माइनस 2 हो गई ना। हाँ सर। और ये टर्म एज इट इज इक्वल्स टू 5/3 की पावर 9, तो अब बस 5/3 की पावर इक्वेट कर दी दिस प्लस दिस, करेक्ट लड़के? यस सर, अभी समझ गया। बस हो गया, अब ये सॉल्व क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो। सो गोपाल, सर मुझे वो आ गया सर, लेकिन ये 3 वाले में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ सर, 3 का कैसे इक्वेशन करना? कौन 3 सर? 3 के टर्म का भी हम लोग इक्वेट करके कर सकते हैं ना, थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है? यस सर, मतलब 3 वाले पार्ट को 5/3। मैंने तो 5/3 पावर को कंपेयर कर दिया, ये तो देखो क्लियर है। यस सर। अब तू 3 की पावर करेगा तो 5 की पावर भी करेगा और फिर दोनों की पावर्स एक्चुअली सेम आएगी, दोनों की इक्वेशन सेम आएगी। अच्छा ओके सर, पहुंचेगा तो यहीं पे पहुंचेगा। Yes, all right, got it, sir. Thank you. चलो fourth question, come on. अगर कभी ऐसी equation मिल रही है तो कैसे करते हो तुम? जैसे ऐसी equation? Sir, two को two की power x को t. 2 की power x को t मानते हो और इसको t square हो जाता है ना? Yes, sir. Yes. तो क्या तुम्हें ये वाले term और ये वाले term थोड़े similar लग रहे हैं, लग रहे हैं everyone? Yes, sir. Come on, बस hint दे दी अब, चलो अच्छी तरह करना है। देवांश का आंसर भी आ गया, लेट मी चेक। बिल्कुल सही है दिव्यांश का। ठीक है, दिव्यांश जी एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर ले। Varun also you can do, Radha also, Kairav also, good. Slok not correct fully. Nishit also. These students can do this extra question. No others.
Adarsh Jawan, correct. Dhruv, Vada answer. Aditya, not correct. Anay, not correct. Rohan, not correct. Dhruv, not correct. Pulli. Gopal, correct. Maika, correct. Dishant, wrong. अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पे. 3 and 9/4. जिन बच्चों को स्ट्राइक नहीं हुआ टी वाली चीज, बस एक स्टेप बता रहा हूँ. 4 की पावर को डिस्टर्ब मत करो क्योंकि वो एक्स के टर्म में ठीक ठाक है. ये 2 की पावर में ये -1 डिस्टर्ब कर रहा है, एग्री करो? यस सर. तो अगर 2 की पावर ए -1 होगा तो मैं उसको 2 की पावर a into 2 की पावर -1 लिख सकता हूँ ना एवरीवन? हाँ सर. तो मैंने ये 2 की पावर -1 अलग कर दिया और ये 2 की पावर x माइनस हो गया. हाँ है ना बच्चों? अब अगर ये t है तो ये कौन है? t square. जल्दी से फिनिश करो बाकी सब. Red Goro. राजा जवान एक्स्ट्रा कराऊं. चलो अब बच्चा डिस्कस कर रहे हैं, प्लीज सी अगर किसी का गलत हुआ स्टिल. तो भी यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया ना एवरीवन? यस सर. यस सर. तो इसके फैक्टर टी माइनस टू इंटू टी माइनस फोर इज जीरो. सो टी इज टू और टी इज फोर. अब टी कौन है? 2 की पावर एक्स माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज 2 की पावर 1. Therefore, क्या इक्वेशन बन गई कि x माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज 1. आया ना बच्चों? सो x माइनस 1 इज रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5. अब बताओ अंडर रूट के क्वेश्चन में बिना सोचे समझे स्क्वायर करते हैं या सोच के करते हैं? सोच के करते हैं. राइट साइड इज पॉजिटिव तो लेफ्ट साइड को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा ना? यस सर. तो जो भी आंसर आएगा वो 1 से बड़ा होगा तो ही एक्सेप्टेबल करूंगा, करेक्ट? यस सर. कर दिया x स्क्वायर माइनस 5. So minus 2x equals to minus 6, x equals to 3. Acceptable, rejected? Acceptable. तो एक आंसर 3 आ गया. यहाँ पे similarly कर लो तो 9/4 आ जाएगा. Clear everyone? Yes sir. कुछ करना है तो कर लो जल्दी से copy. Extra का जिन्होंने भी दिया सब गलत. Divyansh and whatever. Wrong Dhruval. Wrong Pratham. वो अच्छा क्वेश्चन है, वो करोगे तो दिमाग लगेगा. टफ नहीं है, दिमाग वाला. सर कुछ क्यूबिक में इक्वेशन आई. कभी भी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूं बिकॉज वो बैच क्या शफल नहीं होता तो करना पड़ता है इसे. तो स्टिल डाउट हो ग्रुप पे पूछ सकते हो, मुझसे डाउट लेक्चर में पूछ सकते हो कभी भी एट दैट. बट अगर फाइटिंग स्पिरिट है तो हर क्वेश्चन को क्लियर करा करो. सुन लिया सबने? यस सर. यस सर. आदित्य रॉन्ग. ऊपर पार्ट मैंने पहले ही दिखा दिया था तो आई विल नॉट वेस्ट टाइम इन
showing you the upper part. Bali dikha diya, but main copy karne ka time nahi dunga, pehle hi dikha diya tha main. So let's move on. Can I, everyone? Yes, sir. तो अभी एक्सपोनेंट की हमने कुछ नहीं करी, अभी तो सिर्फ प्रॉपर्टीज पढ़ी जो 10 प्लस की प्रॉपर्टीज थी, करेक्ट एवरीवन? यस सर, यस सर। तो अब एक्सपोनेंट की इनइक्वालिटीज पढ़नी। इनइक्वालिटी तभी समझ में आएगी जब ग्राफ समझ में आएगा। सो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ्स, ग्राफ्स ऑफ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कैन आई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जनरल सेंस में एक ही बार एक्स लिख सकता हूँ एवरीवन? यस सर, यस सर। अब ध्यान से सुनो, लिखना बिल्कुल बंद, नो एक्स्ट्रा आंसर्स, लोगों के नस में दोनों रॉन्ग है, और बिल्कुल लिखना बंद करो। चैट पे कुछ और नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ फोकस ही है। हर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पहली बात तो मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ। फर्स्ट कैटेगरी में एग्जांपल्स आएंगे 2 की पावर एक्स, 3 की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, 10 की पावर एक्स, 1.1 की पावर एक्स, और दूसरे कैटेगरी में एग्जाम्पल्स आएंगे 1/2 की पावर एक्स, 1/3 की पावर एक्स, 7/10 की पावर एक्स, 0.1 की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स, 10 की पावर माइनस एक्स। अब बताओ दो मैं क्लासिफाई किया मैंने तो किस बेसिस पे किया? रैशनल एंड नहीं, ये रही है और फ्रैक्शन प्लस एंड माइनस एक्सपोनेंट के अंदर है। नो सर, इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग, वो तो प्रिंसिपल होगा। मैं बोल रहा हूँ बस वैल्यूज देख के बताओ कि क्या मैंने डिफरेंशिएट करते हुए क्या ध्यान रखा है। इट इज अबाउट ए फ्रैक्शनल एंड नॉन फ्रैक्शनल। ये अच्छा, ये फ्रैक्शन नहीं है, 1.1 ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1। हां, इस फर्स्ट कैटेगरी में सारे ए ग्रेटर देन 1, एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर, यस सर। एंड सेकंड कैटेगरी में ए सारे 0 से 1 के बीच में है, एग्री करो ऑल ऑफ यू? कम ऑन, यस सर। देख लो 0 से 1 है। अगर ए 1 हो गया तो वो तो कुछ प्रॉपर्टी कुछ भी चीज करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 की पावर एक्स क्या होता है हमेशा? 1। यहां तक क्लियर? यस सर। नाउ फॉर ए लेस देन 0 वो फंक्शन नहीं हो सकता, अभी उसको थोड़ा लेटर समझाऊंगा, मतलब दैट इज नॉट पॉसिबल। यहां तक क्लियर? यस सर, यस सर। Yes, you might get confused with minus 2 की power 3. वहाँ तो a negative हो रहा है, देखो, agree करो? Yes, sir. But वो अलग चीज़ है, उसको भी मैं later on समझाऊंगा, तो उसको अभी दिमाग से निकाल दो। तो basically इस पे कोई property होती नहीं है और ये allowed ही नहीं है। तो can I say सिर्फ दो ही category हमारे पास, a greater than 1 and a between 0 to 1, everyone? Yes, yes, sir. Yes, sir. अब क्यों इन दो category में divide किया? क्योंकि दोनों का graph अलग अलग होता है, तो दोनों की properties अलग अलग होती है। तो अब आराम से पहले का ग्राफ बनाते हैं, फिर समझेंगे आगे की बात आगे। तो लेट्स से इनमें से किसी भी एक का ग्राफ बनाते हैं। किसका ग्राफ बनाए? 2 की पावर एक्स का बना लें, इजी वाला। हां सर, तो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2 की पावर एक्स। कोई भी ग्राफ नहीं आता है तो कैसे बनाते हैं हम? वैल्यूज प्लॉट करके, बाद में तो कैलकुलस के फंडे सीख जाएंगे तो और फास्टर बनेगा, बट अभी नहीं आता है तो फिर अभी वैल्यूज प्लॉट करके बनाएंगे। तो चलो मेरे साथ, x को 0 रखा, y कितना है? 1। तो कौन सा पॉइंट मार्क करूंगा? 0.1। 0.1। यही मतलब हुआ ना कि x को 0 रखने से 1 से पास करा है एवरीवन? यस सर, यस सर। फिर x को 1 रखूंगा तो y कितना आ रहा है बताओ? 2। अच्छा, 1 पे 2 आ रहा है, मतलब अभी तक तो स्ट्रेट लाइन लग सकता है, आए ना? हां सर, यस सर। ये 1 है, ये 2 है, यहां से फिर नेक्स्ट इंटीग्रल इनपुट बढ़ाया तो उसने एकदम से 4 पे जंप मारा, एग्री करो? यस सर, यस सर। अब बताओ, अब स्ट्रेट लाइन है या थोड़ा ऐसा हो रहा है? कर्व, 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 कर्व। यस सर, नेक्स्ट इंटीजर 3 पे तो वो सीधा 8 पहुंच जाएगा, हां है ना? यस, यस सर। आई होप मैं रफली ग्राफ बना सकता हूं। रफली ग्राफ इज लाइक दिस, बाद में इनपुट बढ़ाओगे तो एक्सपोनेंट मतलब स्टीपली राइज करेगा। कम ऑन एवरीवन, यस सर। स्टीपली राइज करेगा या नैरोली राइज करेगा, ऐसा होगा क्या? नहीं सर, नहीं सर, स्टीपली राइज वो रूट एक्स ऐसे स्टीपली राइज करेगा, हां है ना? यस सर, यस सर। पॉजिटिव साइड में बना दिया, अब नेगेटिव साइड में बनाते हैं। चलो 0 पे 1 है, -1 पे कितना हो जाएगा? हाफ, हाफ, हाफ। कैन आई से हाफ इज अ वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1, बिल्कुल बीच में? यस सर, यस सर। x को -2 रखो, कितना हो गया?
0.25 1 by 4 0 or half ke bilkul beech mein yes bhai yes sir x ko minus 3 rakh do 2 ki power minus 3 that is 1 by 8 0.1 yes beech mein I hope samajh mein aa raha hai 1 by 16 1 by 32 1 by 64 1 by 128 1 by 256 dimag lagao aur batao kabhi zero hoga kya ye nahi sir ever be zero or it will approach towards zero come on approach towards zero ab ye graph kabhi bhi realistically jaise yaad karo 10x ka graph yaad aaya everyone yes sir yaad aaya wo pi by 2 ko intersect nahi karta hai uski tarah tend karta rehta hai everyone yes sir ye graph kabhi bhi x axis ko cut nahi karega ye bas uski taraf move karte jayega samajh mein aaya everyone yes sir मतलब इसका रफ ग्राफ बनाने को बोलेगा कोई तो मैं कैसा बनाऊंगा ये रहा इज दैट क्लियर यस सर यस सर तो वापस पूछ रहा हूं इज दिस लाइन एवर कटिंग एक्स एक्सिस नो सर ये क्या कर रही है अप्रोच कर रही है किसकी तरफ टेंड जीरो यहां तो कोई डाउट नो सर तो ये बन गया किसका ग्राफ बना है हमारा 2 की पावर एक्स अगर इसमें मैं दूसरा कोई ग्राफ बनाऊं y equal to 3 की पावर x और अगर वैल्यूज प्लॉट करके बनाऊंगा ना दिमाग लगाओ बच्चों ऐसे ही ग्राफ बनेगा सेम समझ आ रहा है यस सर अच्छा उसको देखोगे तो ऐसे ही दिखेगा अगर ऑब्वियसली सेम ग्राफ में बनाऊंगा तो थोड़ा ऊपर नीचे दिख सकता है जैसे 2 की पावर x का अगर ऐसा है तो 3 की पावर x का पहले नीचे होगा और बाद में ऊपर हो जाएगा समझ में आ रहा है एवरीवन यस सर इंडिपेंडेंटली देखूंगा तो एक जैसे ही दिखेंगे ना सारे हां सर यस सर की पर एक्स्ट्रा ग्राफ पूछूं तो वो भी कैसा होगा यही यस सर आपको समझ में आ गया इफ आई आस्क यू 1.1 की पर एक्स्ट्रा ग्राफ कौन सा होगा यही सही यही इसलिए इन सब कैटेगरी को हमने साथ में रखा हुआ है ऑल एक्सपोनेंशियल ग्रेटर देन 1 हैव दिस ग्राफ तो अब मैं इसको 2 की पर एक्स्ट्रा ग्राफ नहीं बोल रहा हूं किसका ग्राफ बोल रहा हूं a ग्रेटर देन 1 a ग्रेटर देन 1 क्या यहां तक किसको डाउट यस नो सर चलो अब दूसरी कैटेगरी का एक ग्राफ बना लें एवरीवन यस सर तो लेट्स से 1/2 की पावर एक्स का ग्राफ बनाते हैं मेरे साथ देखो सीखो वापस वैल्यूज प्लॉट करके बनाएंगे एक्स को 0 रखो वैल्यू बताओ 1 ये रहा करेक्ट ना यस सर देन एक्स को 1 रखो कितना आया हाफ हाफ 1/2 की पावर 1 हाफ आया हाफ देन 2 रखो कितना आ गया 1/4 1/4 3 रखो कितना आ गया 1/8 1/16 क्या सबको समझ में आ रहा है जो 1 नेगेटिव साइड पे हो रहा है या पॉजिटिव साइड पे हो रहा है एवरीवन यस सर यस सर विल इट एवर कट द एक्स एक्सिस नो सर अब नेगेटिव साइड पे रखते हैं -1 अगर एक्स को -1 रखूंगा तो आंसर 1/2 की पावर -1 कितना हो जाएगा 2 2 अब समझ में आ गया जो यहाँ पॉजिटिव साइड पे हो रहा है वो यहाँ नेगेटिव साइड पे हो जाएगा एवरीवन हाँ सर यस सर लाइक दिस एवरीवन करेक्ट यस सर यस सर यस ये किसका ग्राफ है अगेन 1/2 की पावर एक्स का करेक्ट बच्चों यस सर यस सर अगर मैं बोलूंगा 1/3 की पावर एक्स का ग्राफ बनाओ तो सबको फील तो आ ही गई है कैसा बनेगा सेम बनेगा ऊपर वाले सेम थिंग बिल्कुल करेक्ट यस सर 0.1 की पावर एक्स का ग्राफ बनाओ तो कैसा बनेगा ऐसा ही बनेगा सेम यहां तक एक बार कॉपी कर लो तो मैं सेकंड ग्राफ को बोल सकता हूं ना इट इज द ग्राफ ऑफ y = a की पावर x व्हेन a इज बिटवीन 0 0 1 तो अभी इतना बनाओ फिर और भी बहुत सारी चीजें बतानी है आपको कॉपी करो यहां पर
not correct others, copy karo abhi, focus in copying, uske baad bali dena. So can you scroll down, please? हो गया कॉपी सबका अब तो. हाँ सर. अब लेट मी से सम मोर थिंग्स. आई होप हो गया यहाँ तक. कुछ नहीं हो गया तो बाद में स्टिल कॉपी कर लेना. अब सुनना तो या तो ये ग्राफ इनके बन गए. और क्या बताना था तुम्हें. हाँ सबसे पहला रीजन फॉर ए रेज़ टू पावर एक्स टू बी अ फंक्शन. फंक्शन का क्या मतलब है कि बहुत सारी वैल्यूज के लिए ग्राफ बनना पॉसिबल होना चाहिए. एवरीवन यस नो. जैसे अंडर रूट एक्स इज अ फंक्शन तभी हमने अंडर रूट एक्स को पॉजिटिव माना. याद है एवरीवन. यस सर. यस सर. तो हमने बोला एक इनपुट के लिए एक आउटपुट ही होना चाहिए. मैंने समझाया था फर्स्ट क्लास में. इसी कारण से हम उसको डिफाइन करते हैं और वो हमेशा पॉजिटिव मानते हैं. याद आया सबको. यस सर. फंक्शन फंक्शन एक चैप्टर है उसकी डेफिनेशन तो उस समय ही समझेंगे. अभी इतना कंफ्यूज नहीं करना है. बट फॉर एक्सपोनेंट टू बी ऑल द फंक्शन ऑल्सो इसका अगर ग्राफ नेगेटिव के लिए बनाओगे लाइक लेट्स से ए इज लेस देन जीरो. तो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ. लेट्स से माइनस टू की पावर एक्स. आर यू विथ मी. तो अब इसका ग्राफ नहीं बन पाएगा हर वैल्यू के लिए. आइसोलेटेड वैल्यूज. आइसोलेटेड मतलब कुछ इंडिविजुअल वैल्यूज के लिए तो ट्रू है ठीक है. जैसे कि माइनस टू का क्यूब इज माइनस एट वो सब ओके हैं.
बट अगर हम फंक्शन के टर्म्स में बोल रहे तो ए नेगेटिव नहीं हो सकता. क्यों नहीं? क्योंकि अगर ए नेगेटिव हो गया तो अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो देखो एक्स की पावर जीरो के लिए तो वन हो जाएगा. करेक्ट बच्चों? यस सर. एक्स को वन एक्स को वन लूंगा तो माइनस टू हो जाएगा. वो सब ठीक है बट उसके बीच में ये हमेशा डिसकंटिन्यूस रहेगा. कोई ग्राफ कंटिन्यूस नहीं बन पाएगा. कंटिन्यूस मतलब लाइन से नहीं बन पाएगा. क्यों? अनलिमिटेड वैल्यूज के लिए अनडिफाइंड है. जैसे कि एक्स को हाफ ले लो, माइनस टू की पावर हाफ. रेज टू पावर हाफ का मतलब अंडर रूट ही होता है. व्हाट इज अंडर रूट ऑफ माइनस टू? नॉट डिफाइंड. कम ऑन कम ऑन. अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ सकता है क्या कभी? नहीं सर. हो गया नॉट डिफाइंड. मतलब x equals to half पे ग्राफ होगा या नहीं होगा? नहीं होगा. चलो अभी तो लग रहा है सिर्फ एक ही पॉइंट पे गड़बड़ है. अरे एक ही पॉइंट पे नहीं है, हर पॉइंट पे ही गड़बड़ है एक्सेप्ट इंटीजर्स एंड सम वेरी गुड वैल्यूज. हाफ 1/4 रख दिया, माइनस टू की पावर 1/4 विच इज अंडर रूट ऑफ माइनस टू. अगर पहला वाला ही डिफाइंड नॉट डिफाइंड है, ये भी नॉट डिफाइंड है. हाँ है ना? सिर्फ 1/2, 1/4 नहीं, उसके अलावा भी कुछ भी ले लो, 3/4 उस पर भी नॉट डिफाइंड है क्योंकि 1/4 तो हो ही चुका है. कम ऑन. Yes, वन बाय टू नहीं, 3/2, 5/2, 7/2, फिर 1/4, फिर 1/8 के, 1/16 के. इट इज नॉट अ फंक्शन. समझ में आया अब? यस सर. यस सर. तो इसका कुछ ग्राफ नहीं बना पाओगे. ये तो सिर्फ एक दो वैल्यूज के लिए डिफाइंड है. क्या ना इसके लिए दे? देखो जीरो पे डिफाइंड है, एक्स इक्वल टू वन पे डिफाइंड है, टू पे डिफाइंड है. हाँ है ना? Yes, sir. तो बस इसलिए इसको फंक्शन मानने के लिए फिर हम ये कंडीशन लिखते हैं कि ये ए वाला जो फैक्टर है वो पॉजिटिव ही होना चाहिए, अदरवाइज इसका ग्राफ नहीं बन सकता. बताओ बिल्कुल क्लियर यहाँ तक? यस सर. सो कभी भी हमारे क्वेश्चन में अगर बेस में भी पावर है, बेस में भी सॉरी वेरिएबल है एक्स, तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली एक्स ग्रेटर देन जीरो हो चुका है. क्या यहाँ तक क्लियर आया? यस सर. यस सर. बट अगर क्वेश्चन नहीं ऐसा बोला हुआ है कि माइनस टू की पावर एक्स इज माइनस एट, तो आप क्वेश्चन को नॉट डिफाइंड नहीं बोलोगे. अब आंसर x is 3 है क्योंकि वो इंडिविजुअल वैल्यू के लिए बात कर रहा है. कम ऑन, एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस 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 सर. आर यू अंडरस्टैंडिंग लिटिल बिट डिफरेंस? कि ये तो इंडिविजुअल वैल्यू की बात कर रहा है, एक वैल्यू के लिए. फंक्शन फंक्शन नहीं बोल रहा है कि हर वैल्यू के लिए डिफाइंड करके. क्वेश्चन को आगे बढ़ाओ. अब जैसे x की पावर x बोल रहा है और उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन दे रहा है, I think my voice was not audible. अब क्लियर है बच्चों? Yes sir. Yes sir. बस बिल्कुल क्लियर है कि कभी भी बेस में पावर एक्स दिखा या वेरिएबल दिखा, बेस में वेरिएबल है तो ऑटोमेटिकली वेरिएबल क्या हो जाता है? एवरीवन ग्रेटर देन जीरो. अगर बेस में कांस्टेंट दिखा फिर चलेगा. इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes sir. ये पॉइंट लिख लो पहले. Automatically A is greater than 0. If A is less than 0, then example will be like this. It will be not defined at infinite values. बस ऐसे short में कुछ लिख दो. बस ये वाला पार्ट लिख दो, समझ में आ जाएगा फिर सब कुछ. नो जवान, नो आदर्श, नो श्लोक, नो वरुण. एक्स्ट्रा का सबका गलत. ये कॉपी करोगे? डन सर. आगे बढ़ूं? एवरीवन डन? यस सर. यस सर. अच्छी बात है, अब हमें ए नेगेटिव को हैंडल करने की जरूरत नहीं है, ए पॉजिटिव ही होगा. करेक्ट ना?
Yes, sir. But A positive के लिए भी दो केस है या एक ही केस है हमारे पास? दो केस. A positive के लिए दो भी केस हैं. एक A greater than one, एक B between 0 to 1. Yes or no? Yes, sir. Second point लिख के वापस दोनों के ग्राफ बनाना एक बार. बिना देख के ग्राफ बनाओ. Y equal to A की पार X when A greater than one का ग्राफ बनाओ. Roughly rough graph बच्चों जल्दी से. And A between 0 to 1 का rough graph बनाओ जल्दी से. बना दिया सबने? हाँ सर. यस सर. यस. rough graph बनाना है, उसमें टाइम नहीं लगना चाहिए. जैसे मैंने बना दिया ये रहा बस. करेक्ट है ना? यस सर. अगर मैं एक वर्ड यूज करूं इंक्रीजिंग ग्राफ, इसका क्या मतलब होगा? कौन समझा सकता है? सर आर्यमन. हाँ आर्यमन. सर फॉर इंक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ एक्स, वाई इज आल्सो इंक्रीजिंग. करेक्ट. इफ इनपुट इंक्रीजेस देन आउटपुट इंक्रीजेस, दो वो इंक्रीजिंग ग्राफ होगा. कम ऑन देखना मेरे साथ. अगर मैं इनपुट एक्स इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू 2 बोल रहा हूँ, फिर एक्स इक्वल्स टू 2 पे आउटपुट बढ़ रहा है, तो ये इंक्रीज हो रहा है ना एवरीवन? यस सर. यस सर. बट अगर मैं एक्स इक्वल्स टू 1 पे यहां वैल्यू बोल रहा हूं और x equals to 2 पे वैल्यू कम हो रही है, तो वो डिक्रीजिंग हो गया. एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर. यस सर. तो अब ग्राफ देख के पहचान जाओगे कौन सा इंक्रीजिंग है कौन सा डिक्रीजिंग है. यस सर. तो पहला वाला ग्राफ कौन सा है? फर्स्ट ग्राफ कौन सा है? इंक्रीजिंग. दूसरा वाला ग्राफ कैसा है? डिक्रीजिंग. यहां तक तो कोई इशू नहीं है ना? नो सर. नो सर. चलो नेक्स्ट चीज. a greater than 1 के लिए इंक्रीजिंग ग्राफ होता है. अब मुझे इस ग्राफ का डोमेन बताओ जल्दी से. डोमेन मतलब हमारी आईज कहाँ पे जानी चाहिए? एक्स पे या वाई पे? एक्स पे. एक्स. तो एक्स पे अपनी आईज दौड़ाओ और बताओ कहाँ कोई ऐसा एक्स है क्या जहाँ पे नॉट डिफाइंड है? नो सर. व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस? कम ऑन. माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी पे हर जगह ग्राफ एग्जिस्ट करता है, दिख रहा है ना एवरीवन? यस सर. पुट एक्स का डोमेन क्या होता है? मतलब अंडर रूट का क्वेश्चन आता है तो इसलिए हमारा फर्स्ट स्टेप डोमेन होता है. याद आया? हां सर. कंपोनेंट का क्वेश्चन है तो डोमेन निकालने की जरूरत है या नहीं है? नहीं है. नहीं है. डोमेन इज ऑल रियल वैल्यूज, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है. करेक्ट ना एवरीवन? हां सर. हां सर. बल्कि द सेकंड ग्राफ का भी डोमेन देख लो तो क्या है? एक्स बिलोंग्स टू आर. एक्स बिलोंग्स टू आर. तो कैन आई से ऑल एक्सपोनेंट्स का डोमेन ऑल रियल वैल्यूज होता है एवरीवन? डोमेन ऑल रियल वैल्यूज है तो प्रॉब्लम है या खुशियां हैं? खुशियां है. क्यों? क्योंकि एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे. क्लियर यहां तक? यस सर. मॉड एक्स का डोमेन क्या होता है? मॉड एक्स का ग्रेटर देन 0. सोचना, सोच से बोलना. ऑल रियल वैल्यूज. ऑल रियल वैल्यूज. सॉरी सर. मॉड के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी डाल सकते हो. एग्री करो ऑल ऑफ यू? हां सर. मॉड का भी डोमेन ऑल रियल वैल्यूज, एक्सपोनेंट का भी डोमेन ऑल रियल वैल्यूज. मॉड का ये बोला था ग्रेटर देन 0, जो ये एक बच्चा बोला था वो उसकी रेंज है. आया ना? हां सर. चलो लेट्स बकल अप. लेट्स आंसर द रेंज ऑफ दिस क्वेश्चन. रेंज मतलब हमारी आईज कहां पे जानी चाहिए एवरीवन? तो सोच के बोलना विद ब्रैकेट्स. यस सो. जीरो हो रहा है क्या? ये क्या इसकी रेंज जीरो आ रही है क्या? जीरो पे कैसा ब्रैकेट है? ओपन. अच्छा दूसरे वाले ग्राफ की भी रेंज बताओ. जीरो टू इन्फिनिटी. बिल्कुल. तो दोनों मिला के बोल सकता हूँ ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज है 0 से इनफिनिटी एवरीवन? यस सर. यस सर. यस सर. तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सोचो. इसका मतलब ये बोल रहा है कि एक्सपोनेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. जल्दी से एग्री करो ऑल ऑफ यू. कम ऑन. यस सर. ऑल एक्सपोनेंट्स आर ऑलवेज व्हाट? पॉजिटिव. ऑलवेज व्हाट? पॉजिटिव. मतलब कभी नेगेटिव हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं बच्चों? नहीं हो सकता है. मतलब अब सुनना ध्यान से. 2 raised to power x equals to 4. Answer possible, not possible. Possible. वो अलग बात है कि तुम निकाल भी सकते हो. एग्री करो? यस सर.
मैंने तो बस ये पूछा पॉसिबल और नॉट पॉसिबल. पॉसिबल करेक्ट ना? यस सर. यस सर. फॉर एक्स इक्वल्स टू माइनस फोर पॉसिबल नॉट पॉसिबल? नो सॉल्यूशन. पॉसिबल नो सॉल्यूशन. सबको क्लियर है? यस सर. टू रेस टू पावर एक्स इक्वल टू थ्री पॉसिबल नॉट पॉसिबल? पॉसिबल. तुम आंसर नहीं निकाल पा रहे हो वो अलग बात है, बट वो थ्री हो सकता है. हाँ है ना? मॉन उसकी वैल्यू निकालने के लिए लॉग लेना पड़ता है, वो अलग बात. सबको क्लियर? यस सर. वो कैसा है वो तो लॉग में सिखाऊंगा, बट बस अभी के लिए यही समझाना चाहता हूँ कि नेगेटिव नहीं हो सकता, बाकी सब हो सकता है. इज दैट क्लियर? यस सर. ये पॉजिटिव का यूज कहाँ पे आएगा? वेवी कर्व में आएगा. थ्री की पावर एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन इंटू फोर की पावर एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन जीरो. क्वेश्चन इजी है या हार्ड है? इजी है सर. टाटा बाय बाय करना चालू करें? यस सर. इसको टाटा बाय बाय एग्री करो? यस सर. को टाटा बाय बाय एग्री करो? यस सर. अच्छा ये हो गया सॉल्व. एग्री ऑल ऑफ यू? यस सर. आई होप रेंज के इंपॉर्टेंस समझते हो एवरीवन. यस सर. यस सर. चलो जहां से भी कॉपी करना है करो. ग्राफ तो बना दिए थे ना? डोमेन लिखो फिर रेंज लिखो. अच्छा अभी तक जिस इस चैप्टर में कुछ कुछ जो जो फंक्शंस पढ़े हैं उनमें से एक और कौन था जो ऑलवेज पॉजिटिव था या इक्वल टू जीरो भी था? और एक और था आई होप इसके बाद जैसे अगर अच्छे नोट्स बनाते हैं ना तो लिख देना चाहिए मॉड एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, रूट एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, बट एक्सपोनेंट ग्रेटर देन जीरो होता है. मतलब एक्सपोनेंट में तो कोई क्रिटिकल पॉइंट ध्यान रखने की भी जरूरत नहीं. क्लियर? यस सर. वरुण स्लो रॉन्ग जोवान रॉन्ग. नो प्रथम एवरीवन डन? यस सर. यस सर. चलो आप कोई डाउट है यहां तक तो पूछ सकते हो. एक्सपोनेंट में ए हमेशा क्या होता है? ग्रेटर पॉजिटिव. ग्रेटर देन. उनकी प्रॉपर्टीज ए ग्रेटर देन वन और ए बिटवीन जीरो टू वन के हिसाब से अलग अलग हो जाती है क्योंकि ग्राफ ही अलग अलग होता है. आया ना? यस सर. यस सर. जैसे एक प्रॉपर्टी मैं डिस्कस करता हूँ. आई होप यू आर डन. थर्ड पार्ट इनइक्वालिटीज इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन. लिखना बंद देखना चालू. लेट्स से फर्स्ट केस जब एक्सपोनेंट इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग. इंक्रीजिंग. ए की पावर एक्स ए ग्रेटर देन वन इज अ इंक्रीजिंग ग्राफ. इंक्रीजिंग ग्राफ के लिए मैंने क्या बताया था कि इनपुट इंक्रीज करोगे तो आउटपुट इंक्रीज होता है. एक्स इंक्रीजेस आउटपुट इंक्रीजेस. एंड कैन आई से आउटपुट इज ए की पावर एक्स इंक्रीजेस? यस सर. यस सर. So, इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि कंसिडर लेट से अगर ये 2 के पार x का ग्राफ है तो अगर ये x है और ये y है. कम ऑन जल्दी से एग्री करो कि y इज ग्रेटर देन x. एवरीवन? यस सर. यस सर. y बड़ा है ना? नालायक हो? हाँ है ना? हाँ सर.
तो ग्राफ देखे बिना तुम्हें समझ में आना चाहिए कि उसका आउटपुट y पे आउटपुट को क्या बोलते हैं, 2 की पर y, x पे आउटपुट को क्या बोलते हैं, 2 की पर x, कौन बड़ा होगा, 2 की पर y बड़ा। अगर कन्विंस नहीं हो तो ग्राफ देख लो, ये x के करस्पॉन्डिंग आउटपुट को ही 2 की पर x बोलते हैं ना एवरीवन। यस सर। y के करस्पॉन्डिंग आउटपुट को क्या बोलेंगे, 2 की पर y, 2 की पर y। अब बताओ कौन बड़ा है एवरीवन, 2 की पर y। तो इन जनरल आई कैन से कि अगर इनपुट इंक्रीजेस तो आउटपुट इंक्रीज, सॉरी, a की पावर y विल बी a की पावर x इफ a इज ग्रेटर देन 1। जल्दी से एग्री कर ऑल ऑफ यू? यस सर। आई कैन से द रिवर्स वे अराउंड आल्सो, इफ 3 की पावर x, एग्जांपल 3 की पावर x इज ग्रेटर देन 3 की पावर 2 माइनस 1 बाय x, देन सिंस बेस इज 3 व्हिच इज ग्रेटर देन 1, x will be greater than 2 minus 1 by x. Batao, understood everyone? Yes, sir. Second graph. Likhna baad mein. Kaisa graph hai? Increasing ya decreasing? Decreasing. A ki power x when a is between 0 to 1. Consider the example y equal to 1 by 2 ki power x. To dekh lo. Abhi bhi maine y ko x se bada rakha. Agree karo all of you? Yes, sir. So if y is greater than x, तो बताओ y के corresponding output 1 by 2 की बार y कहलाएगा अभी, correct ना? Yes sir. Yes sir. और x के corresponding 1 by 2 की बार x कहलाएगा, कौन बड़ा है? 1 by 2 की बार x. देख रहे हो inequality का sign change हो गया everyone? Yes sir. Corresponding output ये रहा 1 by 2 की बार x और y के corresponding output ये रहा 1 by 2 की बार y, कौन बड़ा है everyone? 1/2 मतलब can I say like that कि inequality sign changes everyone? Yes sir. So if y is greater than x या उल्टा बोलने जाना चाहिए अब, if y is general sense में बोल सकता हूँ, if y is greater than x and a is between 0 to 1, then a की पार y और a की पार x में क्या हो जाएगा sign? Change. मतलब example 0.3 की पार x if it is greater than 0.3 ki power 2 minus 1 by x, to hum kya bolenge, since a is between 0 se 1, inequality sign changes. Kya ye sabko clear hai? Yes sir. To agar main summarize karke puri summary puchu, if a ki power x is greater than a ki power y, then who is bigger, x is bigger or y is bigger, or it depends. Very good. Depends. If a is greater than 1, then x is between 0 to 1, then y is greater than x. Very good. Copy karo. Ye graph banane ki zarurat nahi hai, but tumhari ichha hai yaar, ye to baar baar bana chuke ho.
एंड एक्स्ट्रा आंसर का 16, 32 ऐसा कुछ नहीं है, बार बार मत लिखो वो. आंसर इज 2 डिवाइडेड बाय 111, 2 डिवाइडेड बाय 111. वो अभी तक किसी का नहीं आया, बाद में घर पे करना. सबका कॉपी हो गया? यस सर. यस सर. एक सेकंड सर, एक सेकंड. हो गया सर. कोई डाउट किसी को? नो सर. चलो आज मैं तुम्हें जल्दी छोड़ रहा हूँ, 3-4 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, वो करके लाओगे. सुन लिया एवरीवन? यस सर. यस सर. तो आज हैप्पी बर्थडे मनाओ, आराम से एंजॉय करो, बट ये क्वेश्चंस करके लाने. सुन लिया सबने? हाँ सर. यस सर. यस सर. चलो एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दे रहे हो ना बुकलेट से? बुकलेट का तो होमवर्क मिलेगा ऑब्वियसली, बट कल मिलेगा, कल ही लेक्चर है तो कल ही दूंगा. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. बाय.